जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, स्वागत है दोबारा से आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, आज हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 79। चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर और टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 79। बेटा अपना वर्किंग नोट नंबर वन में हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये पहले वाला केस है जिसमें आपको जेड का शेयर दे रखा है और ओल्ड पार्टनर का रेशियो। हम लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, जेड शेयर इज इक्वल टू 1/4, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4, दैट इज 3/4। तो ये किसका है, ये है एक्स एंड वाई का। कुछ ना लिखा हो तो एक्स और वाई 3/4 को अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा। 2/3 हो गया एक्स का, यानी 6/12। वाई का हो जाएगा 3/4 का 1/3, दैट इज 3/12। और जेड का हो जाएगा 1/4 इंटू 3/3, दैट इज 3/12। ठीक है, तो ये इनके न्यू रेशो आ गए बेटा, दैट इज 6/3/3, दैट इज 2/1/1। क्लियर है बेटा। अब हमें क्या करना है, जेड की कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। तो जेड शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इज इक्वल टू 40,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें निकाल देना है एक्स वाई और जेड का क्या शेयर होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन न्यू फर्म। यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड इन न्यू फॉर्म। एक्स का शेयर है बेटा 2/4 और टोटल कैपिटल है 1,60,000, दैट इज 80,000। वाई का कैपिटल है 1,60,000 इंटू 1/4, दैट इज 40,000। और जेड का शेयर भी आएगा बेटा 1,60,000 इंटू 1/4, दैट इज 40,000। यानी एक्स वाई जेड की जो कैपिटल होनी चाहिए बेटा वो 80,000, 40,000 और 40,000 होनी चाहिए जब वो नए फॉर्म में एंटर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने पहले वर्किंग नोट्स बना लिए। अब करके देखते हैं बेटा अपना पूरा क्वेश्चन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग हर क्वेश्चन को करते हैं, तो सबसे पहले बैलेंस शीट से। अब देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स और उसके सामने कोई टिक नहीं है, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में ऐसे के ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दैट इज 25,000। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद दे रखा है जनरल लेजर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में। तो पहले आप बाय बैलेंस बीडी लिख लीजिएगा, वैल्यू भले ही बाद में दे रखी हो आप इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर आए जनरल लेजर, लिखिएगा
जनरल रिजर्व आपका है 18,000 यानी 12,000 एक्स को मिलेगा तो 6,000 वाई को मिलेगा। और यहां पर आपका बैलेंस बीडी भी दे रखा है 75,000 और 62,000। ठीक है, अब हमने लायबिलिटी सारी सर कंप्लीट कर ली। कैसे बैंक को हम लास्ट में देखेंगे, सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स को लेके भी बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सन्ड्री डेटर्स भी ऐसे कैसे आप लिख दे, सन्ड्री डेटर्स हो गया आपका 15,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में लिखा है कि अनरिकॉर्डेड स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 1,000 का, तो वो आपका ऐड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे स्टॉक, आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा 10,000 है, 1,000 पता चला कि अनरिकॉर्डेड है, तो टोटल स्टॉक हो जाएगा बेटा 11,000। और क्योंकि हमारी असेट्स बढ़ी हैं तो बेटा इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लेके जाएंगे बाय स्टॉक अकाउंट, दैट विल बी 1,000। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के सामने भी ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए लिखा है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000 एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, एक्स ने वो इन्वेस्टमेंट ले लिया वो भी 10,000 के लिए, तो एंट्री होगी बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्म के लिए फायदा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो अब इसके बाद बात करते बेटा इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के सामने ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000 एंड एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, और एक्स ने इस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट ले लिया, यानी आपकी बुक में अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा नई फर्म में, किसने ले लिया है, एक्स ने ले लिया है, तो बेटा एक्स की कैपिटल आप डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट के नाम से, और एक्स से फर्म लेगी कितना 10,000 रुपीज, जबकि बुक में कितना वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का 8,000, तो 2,000 आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो आप यहां लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में फर्म के लिए बेनिफिट 2,000। ठीक है बेटा, अब उसके बाद दे रखा है बेटा प्रिंटर, प्रिंटर में लिखा है 5,000 और लिखा है प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है, यानी 1,000 का आपको लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया टू प्रिंटर, 1,000 रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, और प्रिंटर जो हमारा 5,000 रुपए का था 1,000 रुपए उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में इन्होंने लिखा है कि उसको डेप्रिसिएट करना है बेटा 10%, तो फिक्स असेट्स इसकी बुक वैल्यू है 1,37,000, माइनस करना पड़ेगा 13,700। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1,23,300। ठीक है, ठीक, अब यहां पर 13,700 है ये आपका फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हो गई, वो रिवैल्यूएशन की डेबिट में भी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां पर देखिए हमने हमारी जो बैलेंस शीट है वो खत्म कर दी। अब इसके बाद लिखा है जेड ब्रिंग इन 40,000 एज कैपिटल, तो यहां पर आप लिख देंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट जो भी लिखना चाहें, दोनों की मन है टोटल मिला के, तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट के नाम से जेड की कैपिटल बढ़ गई 40,000, और यहां पे साथ साथ कैश या बैंक का बैलेंस भी बढ़ा देते हैं हम लोग, तो बैंक कितना था बेटा 5,000 एड जेड कैपिटल 40,000, इट विल बी 45,000। ठीक है, इसके बाद लिखा है ही ब्रिंग्स 15,000 फॉर गुडविल, तो यहां लिखोगे एड प्रीमियम फॉर गुडविल
15,060 हो गया, और इसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है और ओल्ड रेशो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बेटा, 10,000 आपका एक्स को मिलेगा, 5,000 आपका वाई को मिलेगा। अब इसके बाद एक चीज और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ऐड कर दिया, हाफ ऑफ द गुडविल विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एक्स। ठीक है, टू कैश अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो या बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, 5,000 एक्स विड्रॉ करेगा और 2,500 वाई विड्रॉ कर देगा। अब यहाँ पे कैश माइनस भी करना पड़ेगा आपको, बैंक का बैलेंस लेस एक्स एंड वाई कैपिटल 7,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 52,500। अब इसके बाद हमने देखिए इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट कर दिया, प्रिंटर कर दिया, अनरिकॉर्डेड स्टॉक कर दिया। ठीक है, अब हमें केवल कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, वो भी कैश में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बंद किया, तो हो गया 14,700। 3,000 आपका क्रेडिट है, तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, एक्स का बनेगा बेटा 11,700 का 2/3। ठीक है, और वाई का बनेगा 11,700 का 1/3। ठीक है, तो 3,900 और ये 7,800, और यहाँ पे आप लिखेंगे 11,700 और यहाँ पे आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर देंगे 14,700। ठीक है, अब इस लॉस को रिवैल्यूएशन बंद हुआ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर लॉस है आप लिखेंगे 2 loss on revaluation। तो हो गया बेटा x का 7,800, y का 3,900। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने एडजस्टमेंट कर ली। अब यहाँ पे बैलेंस सी डी कितना होना चाहिए, इनका नई फॉर्म में जो जाएगा इसका होना चाहिए 18,000 x का, y का होना चाहिए 40,000 और z का भी होना चाहिए 40,000। ठीक है, 200 रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हमने अपना बैलेंस शीट लिख दिया। अब हमें करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो एक्स का कैपिटल है बेटा वो है 75,000 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट और 10,000 क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टोटल बनेगा बेटा 75, 12 अपना 87 और ये 97 है। 97 में से अपना 22,800 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका जो कैपिटल आ रहा है बेटा वो कैपिटल आ रहा है आपका 74,200। जबकि कैपिटल का बैलेंस बचना चाहिए बेटा 80,000। तो इसका मतलब है जो एक्स है वो लेकर आएगा, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,800, ये इसका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको टोटल कर देंगे क्योंकि इसका डेबिट साइड ज्यादा है, पहले इसका टोटल कर ले 90,95,1,2,800। अब बात करते हैं वाई की, वाई में जो आया है 62,68,73,000, इसका 73,000 है क्रेडिट साइड का टोटल, तो डेबिट में आप इसमें से माइनस करेंगे 6,400। तो इसका जो कैपिटल का बैलेंस आएगा बेटा वो आएगा 66,400, जबकि इसका होना चाहिए वाई का 40,000। तो ये विड्रॉ करेगा, एंट्री करोगे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कैपिटल बैंक अकाउंट, तो हो जाएगा 26,400 26,600।
ठीक है, हो सकता है मैंने पहले गलत बोला हो, बैलेंस आएगा 26,600 बैलेंसिंग फिगर, तो ये 73,000 पर बंद हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 40,000 है, 40,000 ही रहेगा, इसको भी हम यहाँ पे कैरी करके बैलेंस करके बंद कर दिया हमने। अब नई फर्म में जो कैपिटल लेके जाना है एक्स वाई जेड, वो कैपिटल होगा बेटा 80, 40, 40, दैट इज 1,60,000, तो इसका मतलब इसका टोटल आना चाहिए 1,85,000। कैपिटल अकाउंट जरूर मैच किया, कैपिटल अकाउंट यानी लायबिलिटी साइड से टैली करोगे तो आपका आंसर ज्यादातर मैच हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमें कैपिटल कैश को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर एक्स कैश लेके आया है तो आप लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट 5,800, ठीक है, तो ये हो गया 57,58,300 लेस वाई कैपिटल, वाई विड्रॉ करके लेके गया बेटा, दैट्स इट, दैट इज 26,600। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा 7,131,700, एक बार चेक कर ले। तो बेटा सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद आपका बैंक का बैलेंस आ गया 31,700। अब इसका टोटल कर लेते हैं 26 और 30, ठीक है, तो ये 30 हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1,53,300 और 31,700 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 1,85,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।